यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में भाग लेने कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अंबेडकर विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रदेश की 25 करोड़ जनता को बधाई के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की सोच, विचारों और काम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ा रहे हैं। अंबेडकर जी की सोच थी कि सभी गरीबों को मकान, बिजली, पानी मिले, उसे दोनों समय का भोजन मिले, इसके लिए सभी को न्याय मिले। आज पीएम मोदी ने गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है। बाबा साहब के सपने को केंद्र सरकार और यूपी सरकार ने सूबे में लागू कर दिया है। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि कोरोना काल में पूरे देश में गरीबों को मुफ्त राशन वितरण किया है, साथ ही गरीबों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि MLC चुनाव में समाजवादी पार्टी का फ्लॉप शो रहा है, सपा लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कहा कि प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग लोगों को अच्छी सुविधा देने के हर संभव प्रयास कर रहा है, मरीज को भगवान मानकर काम किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि चिकित्सकों से अपील की है कि मरीजों को पूरी तरह से इलाज करने के साथ संतुष्ट करके भेजें। डिप्टी सीएम ने साथ ही में यह भी कहा कि सरकार पूरी तरह से सजग है हर स्थिति से निपटने के लिए। साथ ही MBBA के छात्रों के साथ हुई ठगी के मामलों पर कहा कि छात्राओं को अच्छी सुविधा मिल सके, उनके साथ कुछ गलत न हो, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। हिंदुस्तान के डॉक्टरों की दुनिया में तारीफ हो रही है और यदि कोई गड़बड़ी होती है तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज बाबा साहब की जो सोच थी, बाबा साहब के जो विचार थे, बाबा साहब के जो कार्य थे, उनको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी ही कर रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे, बाबा साहब की सोच थी कि सभी गरीबों को मकान मिले, सबके घर में बिजली आए, सबको पानी मिले, सबके घर में शौचालय हो, सबको दोनों समय का भोजन मिले, सबके घर में सारी सुविधाएं, उनके जीवन स्तर में बदलाव आए, जो समाज के वंचित पीड़ित वर्ग के लोग हैं उनके जीवन में बदलाव आए। ऐसी सोच के तहत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन को लगाने का काम किया, संविधान की रचना की। संविधान में भी इस बात का उन्होंने उल्लेख किया कि समाज में जो वंचित पीड़ित वर्ग के लोग हैं, जो SC/ST समाज के भाई हैं, उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम करना है। आज वास्तव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वंचितों के, पीड़ितों के, गरीबों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। मैं कह सकता हूं कि बाबा साहब की सोच को आज देश में और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से लागू किया गया है। आप जानते हो, इस प्रकार की बातों कर करके समाजवादी पार्टी लोगों को गुमराह करती है, लेकिन पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित हुए हैं। हर चुनाव में जनता ने उन्हें नकार दिया है, अब उनके पास कहने को कुछ बचा नहीं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश के लोगों की स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए काम करेगा, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मरीज को भगवान मान करके हम लोग काम करेंगे। सभी चिकित्सकों से हमने अनुरोध किया है कि अस्पताल परिसर में यदि कोई मरीज आए तो उसे संतुष्ट करके, उसकी देखभाल करके, उसको ठीक करके हमें भेजना है। सरकार पूरी तरह से सजग है, कहीं कोई दिक्कत न हो, हर स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। जहाँ तक चिकित्सा शिक्षा विभाग का मामला है, MBBS के जो हमारे छात्र हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र हैं, उनके साथ कोई अन्याय न हो, उनको उच्च कोटि की शिक्षा मिले।